रद्द की दिशा में केंद्र सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में खेती कानून रद्द करने की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद ये जानकारी दी। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी। खेती कानून रद्द करने के लिए सरकार जितनी गंभीरता से आगे बढ़ रही है, किसान नेता सरकार के सामने नई मांगे भी रख रहे हैं। धरना और आंदोलन को खत्म न करने की बात भी कह रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 27 नवंबर को किसान आगे की रणनीति बनाएंगे। एमपी का एक बड़ा सवाल है, उस पर गारंटी कार्ड, ये एक बड़ा सवाल है। 750 किसान शहीद हुए, उनका भी बड़ा मामला है। ये सारे मुद्दे हैं हमारे, वो जारी रहेंगे। 26 तारीख को यहाँ पे मीटिंग होगी, एक साल पूरा हो जाएगा, और 29 तारीख को यहाँ से 500 लोग इस बॉर्डर से दिल्ली जाएंगे, वो 30 ट्रैक्टरों के साथ मिल जाएंगे, वे अभी प्रोग्राम हुआ नहीं। इधर खेती कानून रद्द करने के सरकार के फैसले को विपक्ष पचा नहीं रहा, मजबूरी में ही सही कांग्रेस को सरकार के इस फैसले का स्वागत तो करना पड़ रहा है, मगर किसानों की नई मांगों को लेकर सरकार को चेता भी रहे हैं। किसानों की और जो मांग है उनके ऊपर चर्चा शुरू करनी चाहिए। जो आज कृषि जो है व्यवसाय, वो घाटे का सौदा हो गया है, क्योंकि लागत बहुत बढ़ गई है। आप देख रहे हैं, डीजल का भाव देखो, खाद का देखो, पेस्टिसाइड्स का देखो, मशीनरी पार्ट्स का देखो। हमारे समय में तो ना खाद पे टैक्स था, ना पेस्टिसाइड्स पे था, और डीजल पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ता था। जब लागत कम थी, एमएसपी अच्छी मिलती थी। यूपीए के समय में हर बारी एमएसपी की जो बढ़ोतरी 10-12% की थी। अब सवाल उठता है कि जब सरकार ने खेती कानून को रद्द करने का फैसला किया है, तो किसान आगे की रणनीति को क्यों धार दे रहे हैं? अब सवाल सरकार से भी है, जब किसान एमएसपी पर लिखित में गारंटी मांग रहे हैं, तो सरकार को गुरेज क्यों है? हालांकि एमएसपी पर सरकार जल्दबाजी में किसी भी तरह के नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती है, और किसानों को आंदोलन खत्म करने की अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। मतलब साफ है कि अब किसान खेती कानून से आगे बढ़कर सोच रहे हैं, और सरकार खेती कानून निरस्त करने के अपने फैसले से फिलहाल आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में सरकार और किसान फिर आमने सामने हैं, और आने वाले विधानसभा चुनाव पर दोनों की नजर है। दिल्ली से अनिल मोर के साथ पानीपत से प्रदीप रेढ़ू की रिपोर्ट, खबरें अभी तक।